गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन चैप्टर फर्स्ट। तो बच्चे, चैप्टर फर्स्ट का हमने रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है, प्लांट्स अराउंड अस। तो हमने इसमें देखा था कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना। तो कुछ बिग ट्री होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ब्रांचेस नहीं होती है, कुछ हार्ड वुडी और बुशी प्लांट्स होते हैं, कुछ सीजनल प्लांट्स होते हैं, है ना। क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, थ्रोनी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग हमने इसमें पढ़े थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर हमने पहले भी कर रखे हैं, तो एक बार रिवीजन में फिर से कर लेते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो करेंगे, जिन्होंने किए भी हैं वो भी फिर से कर लेंगे, जो आपको आसानी से लर्न हो सके। तो प्लांट्स अराउंड अस में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम टू ट्रीज़ यू हैव सीन। आपको दो पेड़ों के नाम लिखने हैं जो आपने देखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने नीम ट्री एंड पीपल ट्री लिखा। इसके अलावा भी आपको और भी पेड़ दिखाई देते हैं अपने घर के आसपास, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टू था, नीम टू क्लाइंबर्स। आपको टू क्लाइंबर्स लिखनी है। तो हमने यहाँ पे पी एंड ग्रेप वाइन लिखा था। आप इसके अलावा भी और सी क्लाइंबर्स लिखते हैं, क्लाइंबर्स बहुत सारी होती हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन थ्री में था बच्चा, नेम टू प्लांट्स दैट हैव थ्रोन्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें कांटे होते हैं, तो यहाँ पर रोज़ प्लांट एंड कैक्टस प्लांट हमने लिखा था। क्वेश्चन फोर्थ में है, नेम टू श्रब्स। श्रब्स हमने लिखने थे दो, तो हमने यहाँ पे लिखे थे रोज़ एंड तुलसी। तो ये क्वेश्चन आंसर पहले भी कर रखे हमने, आप इनको फिर से कर सकते हो, जो आप लर्न करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए, पहले हमने क्या किया था, बुक में इनको फिल किए थे। अब क्या करेंगे हम, वन बाय वन हम इनको अपनी कॉपी में भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आप धीरे धीरे करके इनको अपनी कॉपी में उतारेंगे, जैसे चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स था। तो अभी हमने बुक में उतारने हैं, फिर हम क्या करेंगे, इनको अपनी कॉपी में उतारेंगे। जैसे बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज़। तो आपको लर्न भी होना चाहिए, अगर आपके पास ऑप्शंस ना भी दिए हों तो आपको फटाफट लर्न होना चाहिए कि बड़े और जो मजबूत पौधे होते हैं वो पेड़ कहलाते हैं। नीड सपोर्ट टू स्टैंड, किसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि क्लाइंबर्स होते हैं। एनिमल्स डू नॉट ईट प्लांट्स हैव, एनिमल्स डू नॉट, कौन से पौधों को नहीं खाते हैं, जिनमें क्या होते हैं थ्रोन्स, कांटेदार पौधे होते हैं उनको नहीं खाते हैं। फोर्थ, ग्रो अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे क्या होती है, तो आपको पता है पौधों में ज़मीन के नीचे जड़ होती है। फिफ्थ, द प्लांट विच स्प्रेड अलॉन्ग द ग्राउंड आर कॉल्ड, पूरी ज़मीन में बहुत दूर तक फैल जाते हैं वो कहलाते हैं क्रीपर्स। तो आपको ये याद होने चाहिए कि कौन से, किनको सहारे की ज़रूरत होती है, किसमें कांटे होते हैं, बड़े ऊंचे पौधों को क्या कहते हैं, है ना, और जो दूर तक फैले होते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आप सबको लर्न करना है। तो अभी तो हमने बुक में फिल किया था, अब हम इनको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में भी करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, अलग से बहुत सारे एग्जांपल भी लर्न करेंगे। जैसे हमने ट्री देखा हमने, ट्री में हमने अलग से कुछ बहुत सारे ट्री दे रखे हैं, तो इन ट्री को लर्न करना है। फिर हमने ऐसे ट्री भी देखने हैं जिनमें ब्रांचेस नहीं होते, तो उन ट्री का भी हमने एग्जांपल लेना है। जैसे पाम ट्री हो गया, अशोका ट्री हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, इनके एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे श्रब्स, हमारे श्रब्स में कौन से प्लांट आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे रोज़ हो गया, जस्मिन हो गया, है ना, पोमोग्रेनेट हो गया, तुलसी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, जो कि अगर आपको किसी ने पूछा कि श्रब्स कौन कौन से प्लांट होते हैं, तो आपको फटाफट से वो लर्न हो जाए। इसी तरीके से बच्चा, हमको सीजनल प्लांट आप जानती हो, जो एक सीज़न में होते हैं फिर नेक्स्ट सीज़न में हमको फिर से लगाने पड़ते हैं। जो श्रब्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, कुछ सालों तक चल जाते हैं, लेकिन सीजनल प्लांट को हर सीज़न में लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आजकल किसका सीज़न है, कॉर्न का, भुट्टा जिसे हम कहते हैं, तो वो हमने लगाया, फिर भुट्टे खा लिए, ख़त्म हो गए, फिर उनको नेक्स्ट सीज़न में लगाया। ऐसे टमाटो है, ब्रिंजल है, वीट है ना, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब क्लाइंबर्स के एग्जांपल भी इसी प्रकार से आएंगे कि कौन कौन से होते हैं, तो आपको लर्न होना चाहिए कि पी होता है, बीन होता है, ग्रेपवाइन होता है, मॉर्निंग ग्लोरी होता है, जो बिना सपोर्ट के नहीं रह सकते, उनको हमको क्या करना है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ट्रीपर्स में हमारे वाटरमेलन आ गया, पम्पकिन आ गया, ठीक है। इसी तरह के थ्रोनी प्लांट पे हमारा रोज़ हो गया, कैक्टस हो गया,
और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आपसे कोई पूछे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं तो आप फटाफट बता सकें कि ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं रूट, स्टेम, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट, बिना देखे हुए। तो इनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन अपनी कॉपी में भी करेंगे, जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।